नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्य गुप्ता, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। मैंने कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग भारत के सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलूर से हासिल की है। तत्पश्चात पेरिस के सबसे बड़े हॉस्पिटल से रेडियल इंटरवेंशन की ट्रेनिंग प्राप्त की है। आज मैं आपको रेडियल एंजियोग्राफी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। रेडियल एंजियोग्राफी क्या होती है, कैसे की जाती है और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। एंजियोग्राफी सामान्यतः एक जांच है जिसके द्वारा हम हृदय की नलिकाओं के अंदर होने वाले रुकावट या ब्लॉकेज का पता लगाते हैं। एंजियोग्राफी के दौरान हम हार्ट की नली के बाहर एक कैथेटर या नलिका ले जाकर उसके थ्रू हम दवाई इंजेक्ट करते हैं और वो दवाई एक्सरे के अंदर हमको डार्क कलर की दिखती है और उसी दौरान हम हार्ट की एक्सरे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई नली के अंदर रुकावट है तो एक्सरे जब हम करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग तो उसमें हमको रुकावट का पता चल जाता है। हृदय की नलिका तक कैथेटर ले जाने के रास्ते सामान्यतः दो तरह के होते हैं। एक जो पहले से ट्रेडिशनल है, फीमोरल रूट, जो पाँव की नली, या फिर हम हाथ की नली जिसको हम रेडियल आर्टरी बोलते हैं, इसके द्वारा हम हार्ट की नलिका तक पहुँच सकते हैं। रेडियल एंजियोग्राफी एक डे केयर प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट एंजियोग्राफी के तुरंत बाद में चल सकता है, टॉयलेट तक जा सकता है तथा एक दो घंटे के अंदर हम उसको डिस्चार्ज भी कर देते हैं। ऐसा ही नहीं, रेडियल एंजियोग्राफी और उसी रास्ते से हम एंजियोप्लास्टी भी करते हैं। आजकल तो हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी और कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी भी रेडियल रास्ते के द्वारा ही करते हैं। सिम्स हॉस्पिटल के अंदर हमने बहुत ही सुंदर रेडियल लाउंज बनाया है जिसमें मरीज आता है, दो तीन घंटे बाद में उसकी एंजियोग्राफी हो जाती है और टोटल चार पाँच घंटे के अंदर पेशेंट घर चला जाता है। तो दोस्तों, घबराइए नहीं, एंजियोग्राफी एक सरल पद्धति है। रेडियल रूट के द्वारा केवल एंजियोग्राफी ही नहीं, हम एंजियोप्लास्टी भी काफ़ी सरलता से करते हैं। पिछले 10 सालों से मैंने हजारों एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी रेडियल रूट के द्वारा की है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस रूट के द्वारा एंजियोग्राफी सेफ है, इफ़ेक्टिव है और कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही कम है। धन्यवाद।